दुविधा है इस वक्त कि एक तरफ हमारा संविधान है जो हमें कहता है कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हमें जो पहनना है हम वो पहन सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मंदिर प्रशासन एक राज्य नहीं, हर एक राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, किसी की भी सरकार हो, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं जी आप ये पहनकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पलक जी, अगर व्यक्तिगत राय के तौर पर पूछती है तो मैं बिल्कुल इसके विरुद्ध हूँ। आप भगवान में आपकी आस्था देखी जाती है, आपका प्रेम देखा जाता है, आपका कर्तव्य देखा जाता है, आपका परिधान से नहीं। बहुत से लोग बहुत सा आसाराम बापू तो बहुत अच्छा परिधान पहनते थे, राम रहीम तो बहुत अच्छा परिधान पहनते थे, लेकिन काम क्या करते थे? तो परिधान पहनने से किसी का चरित्र थोड़ी बढ़ जाता है या उसकी आस्था थोड़ी बढ़ जाती है भगवान के प्रति? हाँ, हर देश की अपनी मान्यता होती है, हर देश की अपनी संस्कृति होती है। कोई भी चीज जिसमें अश्लीलता परोसी जाए, चाहे वो परिधान स्त्री का हो या पुरुष का हो, वो आपको न समाज में पहन के घूमना चाहिए और ना ही आपको मंदिर में वैसा पहन के जाना चाहिए। रेस्ट भगवान के यहाँ लोग, भगवान कोई मंदिर में मिलते हैं कहाँ लिखा हुआ है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कोई मंदिर में थोड़ी प्राप्त हुआ था। तो आपकी आपकी तपस्या, आपका त्याग कहीं भी हो सकता है, पेड़ के नीचे बैठ के हो सकता है, पहाड़ों में हो सकता है, वन में हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई परिधान जरूरी है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और जो कोई भी इसको थोप रहा है, मैं समझता हूं वो हिंदू धर्म के प्रति ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि जो यूथ है। तो सरकार इस पर रोक लगाने के लिए क्या कर रही है? अगर अगर आप जींस पहने हुए हैं, या मैं आपको कहूं कि नहीं आपको तो ये पहन के अंदर जाना है, हो सकता है आप कहें कि मैं नहीं जाऊंगी, भगवान तो मैं बाहरी बाहर से ही मिलूं। तो यू नो, जो यूथ है वो रिबेल करेगा इसके प्रति। और जो अभी एक आसक्तता बढ़ी है, लोगों का आवागमन बढ़ा है मंदिरों में, सनातनी धर्म जागृत हुआ है, उसमें ये अवरुद्ध करेगा। ठीक है आलोक जी, लेकिन लेकिन सरकार जो है इस वक्त केंद्र के अंदर आपकी बैठी है, अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरीके की अगर चीज हो रही है तो मंदिर प्रशासन के लिए एक एडवाइजरी होनी चाहिए ना, क्या एडवाइजरी दी जा रही है? जी सर। मैडम सहगल, हर चीज सरकारी कर दे, अब मंदिर में आप क्या पहन के जाएंगे भी सरकारी तय करे। अरे कुछ समाज भी होता है, कुछ लोग भी होते हैं, अपनी भी मान्यता कुछ होती है, उसको आपको स्वयं तय करना है या समाज मिलकर तय करेगा कि ये ठीक है या नहीं है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अभी मंदिर प्रशासन के ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि उन्हें जो करना है वो स्वतंत्र है करने के लिए। जो पाश्चात्य रंग से रंगे हुए लोग हैं 140 करोड़ में, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। वो आपको खासकर बड़े शहरों में ही मिलेंगे, बड़े में भी जो बहुत बड़े शहर है उसमें छह इंच छोटा पैंट पहन लेना उनके लिए बहुत बड़ी नैसर्गिक सुख है, लेकिन भारतीयता में वो बहुत अनैतिक है।